हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू अदर ब्लॉग। तो दोस्तों, आज के ब्लॉग में आप लोगों से हम बात करते हैं नैनीताल के वेदर की और टूरिस्ट की। तो सबसे पहले हम आप लोगों को बताते हैं वेदर के बारे में कि नैनीताल में आजकल दिन में इतना शानदार वेदर हो रहा है। और नैनीताल में ठंड की बात करें तो ज़्यादातर दोस्तों, अगर आप लोग नैनीताल घूमने के लिए आ रहे हैं तो गर्म कपड़े ज़रूर लेकर आइए, क्योंकि यहाँ पर जो है सुबह और शाम की बहुत ही ज़्यादा ठंड होने लगी है। चलिए आप बात करते हैं टूरिस्ट की। तो दोस्तों, इस टाइम नैनीताल एकदम खाली पड़ा है, सन्नाटा पड़ा है। नैनीताल में टूरिस्ट बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप लोग नैनीताल घूमने आना चाह रहे हैं और भैया सस्ते में घूमना चाहते हैं तो इस टाइम आप लोग आ सकते हैं। काफ़ी आप लोगों को नैनीताल में आने का बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि भाई नैनीताल में बिल्कुल भी टूरिस्ट नहीं है। इस टाइम अगर आप लोग माल रोड पर भी अपना मनपसंद होटल लेना चाहेंगे, सस्ता वाला होटल लेना चाहेंगे, तो आप लोग माल रोड पर भी स्टे कर सकते हैं सस्ते रेटों में। उसी के साथ ऊपर साइड में अगर लेना चाहें तो ऊपर भी आप लोगों को कम प्राइस में मिल जाएगा। तो चलिए पहले स्टार्टिंग करते हैं हम नैनीताल के माल रोड से कि माल रोड पर किस तरह का क्राउड है। तो अभी मैं खड़ा हूँ माल रोड की जहाँ से एंट्री होती है। तो ये पास में अपना रिक्शा स्टैंड है और रिक्शा स्टैंड से दोस्तों एक चीज़ आपको बताता हूँ कि अगर आप लोग, ये हमारा आरिश भाई जा रहे हैं जो ये भी एक रील्स बनाते हैं यहाँ पे। तो अभी आप देख सकते हैं इस टाइम आपको जो है सारी गाड़ियाँ जो है लोकल की ही नज़र आ रही होंगी, जिससे हम लोग आप लोगों को अपनी गाड़ियों से घुमाते हैं। ये टैक्सी नंबर की गाड़ी रहती है पीली पट्टी की। अगर आप लोग स्कूटी भी रेंट पे लेना चाहेंगे तो पीली पट्टी की लेना, और इस टाइम आपको 500-600 रुपये में आराम से स्कूटी मिल जाएगी और टैक्सी भी बहुत कम प्राइस में फुल डे के लिए मिल जाएगी। तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ यहाँ पर, इधर दोनों साइड में देखिए इस टाइम सन्नाटा सा आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। हमारा आरिश भाई क्या करें, चलिए आरिश भाई से थोड़ी सी बात करते हैं रुक के। आरिश भाई क्या हाल है? बस सब जा रहे थे, भैया मिल गए, क्रिकेट खेल के आ रहे थे। अच्छा, क्रिकेट खेल के आ रहे हैं। तो वेदर के बारे में और शाम के ठंड के बारे में और मौसम के बारे में क्या कहना है? दिन में तो यह धूप में आप लेट जाइए, शाम को ठंड है लेकिन बर्दाश्त वाली ठंड है। और आप नैनीताल आइए और हमारे नैनीताल की वादियों की रौनक बढ़ाइए। और टूरिस्ट के बारे में क्या कहना चाहते हैं? टूरिस्ट आने लग गए हैं, बंगाली लोग आ रहे हैं, गुजराती लोग आ रहे हैं, बॉम्बे लोग आ रहे हैं। तो आप लोग भी, सब लोग आइए और शराब भाई से भी मिलिए, ये बहुत अच्छा भ्रमण कराते हैं नैनीताल का। और भैया के साथ क्रिकेट खेलिए, बैट दिखा दीजिए सर ये। और गाइस, यहाँ का फेमस जो है काफ़ी अच्छा रेस्टोरेंट है दिल्ली दरबार। अगर आप लोग जैसे माल रोड पर आते हैं तो सबसे पहले आपको अशोक नज़र आएगा, रॉयल किचन ढाबा आएगा, फिर ये अपना दिल्ली दरबार रेस्टोरेंट जो आपको नज़र आ जाएगा। जैसे आप लोग माल रोड पर एंट्री करेंगे तो सबसे पहले आपको ये तीन रेस्टोरेंट नज़र आ देंगे। तो अभी आप देख सकते हैं मेरे पीछे एकदम खाली खाली से आपको नैनीताल नज़र आ रहा होगा, और यहाँ से खड़े होकर आप खूबसूरत सा प्यारा सा पहाड़ियों का व्यू देख सकते हैं, जैसे अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो सामने नैना पीक साइड देखें आप, वो सामने नैना पीक साइड है। और अभी मैं आपको झील की तरफ लेके चलूँगा, तो पहले मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे रिक्शा किस तरीके से मिलती हैं और कौन सी रिक्शा चलती हैं, वो आपको दिखाते हैं जो हमारे चैनल पे नए हैं उनके लिए बता रहा हूँ मैं। तो जो ये आपको भीड़ नज़र आ रही है ना, ये अभी जो है लोकल भीड़ है सारी। और यहाँ पर हमारे सभी बाइक वाले भाई खड़े हैं जो रेंट पर बाइकें देते हैं यहाँ पर। ये कमल साहब क्या हाल है? और इधर साइड में देखें, सभी हमारे बाइक वाले भाई, स्कूटी वाले बाइक जो है लाइन लगा के यहाँ पे खड़े हैं। अगर आप लोगों को कहीं पे जाना भी है तो ये बाइक स्कूटी से छोड़ देते हैं। अगर आप लोगों को खुद चलाना है, खुद ड्राइव कराना है, पूरे नैनीताल के आसपास की सारी लोकेशन घूमनी है तो आप लोग भी रेंट पे ले सकते हैं। तो अभी हम आपको बताते हैं रिक्शा के बारे में। तो गाइस, ये हैं ई रिक्शा जो यहाँ पर लाइन लगा के टिकट द्वारा मिलती हैं। अगर आप लोग नैनीताल घूमने के लिए आ रहे हैं और मल्लीताल से तल्लीताल की तरफ को जाएंगे तो कैसे जाएंगे मैं आप लोगों को पूरी जानकारी देता हूं। तो यहां पे रिक्शा स्टैंड पर आ जाइए और यहां पे आपको लगाना पड़ेगी लाइन। तो अभी तो देखो इस टाइम कोई भी नहीं खड़ा है, सारी रिक्शा यहां से लेके वहाँ तक जो हैं खाली खड़ी हैं, क्योंकि इस टाइम टूरिस्ट बहुत कम है। तो यहाँ पर पहले आप लोगों को टिकट लेना पड़ेगा, 15 रुपये का टिकट है एक मेम्बर का। इसमें चार सवारी बैठती हैं, जब तक चार सवारी नहीं होगी यहाँ से रिक्शा जाएगी नहीं। या आप सिंगल आदमी भी हैं तो चार सवारी के पैसे देके अपने आराम से जा सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ से लेके वहाँ तक सारी ई रिक्शा खड़ी हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे ई रिक्शा में बैठ के जाते हैं मल्लीताल से तल्लीताल तक के लिए। तो ये ई रिक्शा जो है सिर्फ तल्लीताल से मल्लीताल तक के नहीं है, मल्लीताल से तल्लीताल तक के नहीं है, इससे आगे ये रिक्शा नहीं जाती हैं, अलाउड भी नहीं है। अभी सभी हमारे रिक्शा वाले भाई लोग देख सकते हैं खाली खड़े हैं यहाँ पे।
ये देखें कैसे बैठे हैं अपनी अपनी ये रिक्शा में सभी लोग। इधर साइड भी देखें और इधर भी देखें, यहाँ पे जो है लाइन लगा के ही रिक्शा मिलती है। आप चाहेंगे कि भैया जाके हमें रिक्शा कोई दिख गई, हम जाके रिक्शा वाले भैया से बात कर लें और चले जाएं, तो ऐसा कुछ नहीं। यहाँ पे लाइन लगा के ही रिक्शा मिलेगी। कितनी भी भीड़ हो, कितना भी रश हो और कितनी भी इमरजेंसी हो, आपको जो है लाइन लगा के ही रिक्शा मिलेगी। तो चलिए चलते हैं आगे की तरफ। गाइस हम आ जाते हैं पंत बाज़ार में, जो शाम को अपना 4 बजे के बाद लगता है, 6 बजे तक यहाँ पे हमारे सागर भाई खड़े हैं। यहाँ पे क्या है सागर भाई, तो यहाँ पे देखिए पॉइंटों के भी काफ़ी अच्छे अच्छे फ़ोटोज़ वगैरह लगे हैं। अगर आप लोग अपनी गाड़ी से घूमने का विचार बनाना चाहते हैं तो अपना गाड़ी से भी आराम से घूमने जा सकते हैं। यहाँ पे देखो सारे पॉइंटों के नाम हैं, ये सारे पॉइंट हैं जो घूमने के हैं। और इस टाइम देखिए सारे खाली खाली, आप लोगों को पूरा मार्केट नज़र आ रहा होगा जो शाम को ही लगता है। यहाँ पे शाम को काफ़ी अच्छी भीड़ आप लोगों को देखने के लिए मिलेगी। इस टाइम ज़्यादा टूरिस्ट भी नहीं है यहाँ पे। चल गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, ठीक है। और यहाँ पे जितने भी आप देख रहे हैं हमारी, ये देखो टैक्सी वाले भैया हैं, बोट वाले भैया हैं, और इधर भी बोट वाले भैया बैठे हैं, और इधर पूरा खाली पड़े हैं। ये सारे ठेले हैं जो शाम को खुलते हैं यहाँ पे। और मैं अभी आपको लेके चलता हूँ झील की तरफ, झील का खूबसूरत नज़ारा दिखाता हूँ, खिलती हुई धूप, चमकता हुआ पानी, और झील के अंदर बोटिंग करते हुए आपको टूरिस्टों को दिखाएंगे। भैया हमारे भतीजे साहब आकाश साहब कहाँ जा रहे हैं? सवारी ढूंढने आज मारा है का चक्कर? चलिए मिलेगा शाम तक, तभी हम आपको लेके चलते हैं झील की तरफ, झील का खूबसूरत नज़ारा दिखाते हैं और क्या चल रहा है झील में वो दिखा देते हैं। यहाँ पे उससे पहले आप लोग देखिएगा पूरा मार्केट जो है इस टाइम खाली खाली सा आप देख सकते हैं यहाँ पे। उसी के साथ आजकल जो है पतझड़ लग गया है, देखो पेड़ों के पत्ते जो हैं झड़ने लगे हैं, नीचे देखें। और गाइस जैसे मैं आपको बताता रहता हूँ, अगर आप लोग झील में बोटिंग करना नहीं चाहते हैं, झील का खूबसूरत नज़ारा आप लोग देख सकते हैं, तो यहाँ पे खड़े होके आराम से बैठ के रिलैक्स होके एंजॉय कर सकते हैं यहाँ पे इस तरीके से। यहाँ पे देखो सभी टूरिस्ट बैठे हुए आपको नज़र आ रहे होंगे, यहाँ पे इस तरीके से आप लोग बैठ सकते हैं आकर। और आपको बोटिंग करना है तो बोटिंग के लिए आप जाइए, अपना टिकट कटवाइए, 320 वाला या 420 वाला, 320 में हाफ चक्कर रहता है, 420 में फुल चक्कर रहता है यहाँ पे। और उसी के साथ यहाँ पे अपना पहाड़ी ड्रेस में अगर आप लोग फोटोग्राफी करना चाहते हैं तो यहाँ पे फोटोग्राफी भी अपना कर सकते हैं। 100 रुपये पर मेंबर्स का है, इसमें जेंट्स भी है, बॉयज़ भी है, और बच्चों के लिए भी काफ़ी अच्छा है यहाँ पे है। और ये अपना टिकट काउंटर है, यहाँ से अपना टिकट कटाइए, पहले आप टिकट कटवाएंगे उसके बाद अपना बोटिंग में जाएंगे आप लोग। यहाँ पे ये हमारे बोट वाले भैया बैठे हैं और यहाँ पे चल रही है दोस्तों बोटिंग की रिपेयरिंग। जैसे गाड़ियों की रिपेयरिंग होती है ना, तो साल में 2 बार इन बोटों की भी रिपेयरिंग होती है इस तरीके से। यहाँ पे देखो भैया क्या क्या लगा रहे हैं भैया आप, ये बोटिंग लगा रहे हैं। तो ये किस लिए लगाई जाती है? ये पानी ना दे करके। अच्छा, तो ये गाइस इस मारे लगाई जाती है कि पानी अंदर ना जाए, इससे पानी रुक जाता है। यहाँ पे देखो भैया कितनी मेहनत कर रहे हैं, और इधर भी देखें, तो ये जो है नई बोट बनी है शायद। और ये है हमारे चौहानदा जो पूरी बोट जो है नई कर देते हैं और रिपेयर भी करते थे। अगर नई बोट भी बनानी होती तो हमारे चौहानदा ही बनाते हैं, दूसरे हमारे दादा हैं। क्या हाल है दादा? सब बढ़िया। तो एक बोट कितने दिन में बन जाती है दादा? 10 से 15 दिन में। तो इसमें ये काय की लकड़ी लगती है, बताइए। टुन और शीशम लगता है, लाल लकड़ी लगती है। अच्छा, टुन और शीशम। अरे वेरी गुड, और बहुत मेहनत लगती है यार गाइस बोटिंग बनाने में भी। तो ये वाली जो बोट अभी यहाँ पे देख रहे हैं ना, तो ये कुछ दिनों बाद जो है झील के अंदर जाएंगी। अगर आप लोग भी आना चाहें और झील का खूबसूरत नज़ारा देखना चाहते हैं, बोटिंग करना चाहते हैं। हेलो, ये हमारे बोट वाले भाई लोग यहाँ पे आ रहे हैं। क्या हाल है, क्या हाल है भाई लोगों के? और इस तरीके से आप लोग बोटिंग कर सकते हैं यहाँ पे। और आपको यहाँ का मौसम और यहाँ का व्यू दिखाता हूँ, कितना खूबसूरत जो नज़र आ रहा होगा, ये देखें सामने, और पूरा झील का खूबसूरत आपको व्यू दिखाते हैं यहाँ पे। तो यहाँ से स्टार्टिंग करते हैं और प्यार से आराम आराम से पूरा चमकता हुआ पानी, खिलती हुई धूप और खूबसूरत झील का नज़ारा, ये देखें।
और इस टाइम घूमने का बहुत ही बेनिफिट है। अगर आप लोग नैनीताल में आ गए ना तो इस टाइम आपको इतना बेनिफिट मिलेगा भाई साहब, जो आपको सीजन में अगर यहाँ पे कोई भी फेस्टिवल या कोई भी मतलब छुट्टी पड़ती है तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है, पर इस टाइम बिल्कुल भी भीड़ नहीं है। अगर जो आपको होटल 3,000 रुपये 4,000 रुपये मिलता है वो आपको आराम से 2,500-1,500 रुपये में माल लोड पे बढ़िया सा आराम से होटल मिल जाएगा, उसी के साथ आराम से आप लोग नैनीताल में रिलैक्स होके सस्ते में घूम सकते हैं यहाँ पे, और इस तरीके से पूरा खूबसूरत नज़ारा भी देख सकते हैं। और मैं आपको दिखाता हूँ मछलियाँ, ये मछलियाँ देखें गाइस। तो फाइनली गाइस आज का ब्लॉग हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है। तो आज के ब्लॉग में आप लोगों ने देख लिया कि नैनीताल में टूरिस्ट किस तरीके के हैं और नैनीताल में किस तरीके का मौसम है और नैनीताल में किस टाइम आना चाहिए किस टाइम में आने चाहिए, सब मैंने अपनी वीडियो में आप लोगों को बता दिया है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, इस वीडियो को यहीं पर करते हैं।